भाग के लोग भी दहेज की बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। कटिहार के एक छोटे से गांव के किसान ने कुछ ऐसा किया है जो सभी के लिए मिसाल है। नीतीश सरकार को किसान का साथ, बेटी की शादी में तोड़ी दहेज की बेड़ियां, किसान पिता ने पेश की मिसाल, नवविवाहित जोड़े ने कहा थैंक यू। हमने सोचा कि नहीं लेना, और हमारे गार्जियंस उनका भी मानना था कि नहीं, हम लोग डॉरी नहीं लेंगे। जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो जी मीडिया की तरफ से एक अप्रोच लिया गया, एक इनिशिएटिव लिया गया कि बदलते बिहार की तस्वीर बदलनी चाह रही है जी मीडिया। मेरे बाबूजी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मैं उनकी पुत्र वधू हूँ। दहेज के प्रति अगेंस्ट रहे और जी न्यूज ने जो ये कदम उठाया है तो मैं भी उसके साथ हूँ कि आप ना दहेज लें और ना आप दहेज दें। बिहार की नीतीश सरकार और जी मीडिया की मुहिम को धन्यवाद देता ये जोड़ा कटिहार के एक छोटे से गांव नवाबगंज का रहने वाला है, लेकिन इन्होंने जो किया है उसके चर्चे आजकल दूर दूर तक हैं। दरअसल पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर विक्रम की शादी बिना दहेज के हुई है और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है इनके पिता कैलाश ने। मेरे लिए ये बहुत मैंने सौभाग्य की बात है कि मुझको भी ऐसे घर से कई एक रिश्ता आ रहा था, कुछ लोग हमसे दहेज के लिए भी बोल रहे थे, मैंने उनको बैरन वापस कर दिया। दहेज लेना और देना ये तो खरीद बिक्री है। कैलाश पेशे से किसान है, पैसों के अभाव से ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं सके, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई की पाई पाई लगा दी। जब बेटे की शादी की बारी आई तो इन्होंने अपने सीएम नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया और अपने बेटे की शादी में एक पैसे का भी दहेज नहीं लिया। देखिए, हमारे समाज के लिए बहुत शुभ संकेत है कि पूरा समाज बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध उठ खड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है इससे एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और लोगों के मन में जो दर्द है वो लोग इस बात के लिए संकल्पित होंगे कि बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा को भी रोकना है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को दहेज मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। पिछले दिनों मानव श्रृंखला के जरिए इन्होंने दहेज की बेड़ियों को काटने का आह्वान किया था। जी मीडिया भी इस मुहिम को बिहार के हर गांव तक लेकर जा रहा है। इस नवविवाहित जोड़े में अब इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बिहार को दहेज मुक्त बनाने का सपना जल्द साकार होगा। राजीव रंजन, कटिहार, जी मीडिया।